नमस्कार दोस्तों, इस वक्त टीवी 9 डिजिटल चैनल पर आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आप सबका हर दिल अजीज, हम मिजाज हर फन मौला, हम जुबान संजीव चौहान। आइए आज हम सब मिल बैठकर बेबाक बात करते हैं हिंदुस्तान के धुर विरोधी पड़ोसी देश पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक की, उस सियासी उठापटक की जिसकी नींव पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस की यात्रा से खुद ही डाली थी। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जब से रूस से अपने हाथ में मौजूद कटोरा खाली लेकर वापस हम वतन लौटे हैं, तभी से विरोधियों की बात छोड़िए, उनके अपने भी पराये हो गए हैं। नौबत कहां तक आ पहुंची है ये बताने की मुझे इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में मचे सियासी बवाल का तमाशा दुनिया अपनी आँखों से देख और कानों से सुन रही है। पाकिस्तान में मची इस सियासी घुड़दौड़ में अगर कुछ खास है तो बस यह कि इमरान खान के विरोध पर उतरे उनके दुश्मनों में कुछ अपने भी शामिल हैं, मगर इमरान खान यह बात चाहकर भी जमाने के सामने बयान कर पाने की हालत में नहीं बचे हैं। इस तमाशे के बीच अगर भीड़ से हटकर कुछ नजर आ रहा है तो वो है पसीने से तरबतर इमरान खान के भारत को लेकर बदले हुए सुर। खुशहाल दिनों में पानी पी पी कर कोसते रहने वाले इमरान खान अपने दुर्दिनों में हिंदुस्तानी हुक्मरान और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का गुणगान करते ना तो थक रहे हैं ना ही शर्मा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? यह उन्हीं इमरान खान के बदले हुए सुर हैं जो इमरान खान सोते जागते हिंदुस्तान को ही कोसने में जुटे रहे थे। ये वही इमरान खान हैं जो अक्सर हिंदुस्तान पर हमले की सभी तैयारियां कर लेने के बाद पीछे हट जाने का दम भी भरते रहते हैं। छोड़िए इमरान खान की बात और बेमौसम की बरसात का भी, भला कभी कहीं कोई पुख्ता ठौर ठिकाना बना है? बड़बोले इमरान खान की बड़ी बड़ी बयानबाजी हमेशा उनके और पाकिस्तान के वजूद को जमाने में कमजोर ही करती रही है। आज हालत दुनिया के सामने है, आज हिंदुस्तान को कोसना भूलकर इमरान खान अपनों के ही बीच फंसकर कलाबाजियां खा रहे हैं। हाथों में अपनी कुर्सी लेकर जिधर भाग रहे हैं उधर ही उन्हें अपने विरोधियों द्वारा पहले से खोदी गई खाइयां और अखाड़े नजर आते हैं। शायद इसे ही कहते होंगे सत्ता की जंग की असल कहानी। मतलब पाकिस्तान की सत्ता में जिस तरह समीकरण रात दिन बदल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि सियासत की पिच पर इमरान खान बोल्ड होने वाले हैं। दो तीन दिन बाद ही यानी 25 मार्च 2022 से पाकिस्तान में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में देखना यह है कि आखिर इमरान खान के 24 सांसद अपने उस्ताद यानी मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान को नई आफत खड़ी करेंगे या फिर सियासी फावड़ों से हासिल उनके जख्मों पर मरहम का काम करेंगे। इमरान खान पर दबाव बनाने के पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में होने वाले OIC के शिखर सम्मेलन को रोकने की धमकी दी थी। वहीं इमरान सरकार के गृह मंत्री शेख राशिद ने बिलावल भुट्टो और विपक्ष के नेताओं को सबक सिखाने का ऐलान कर डाला है, यह कहकर कि अगर OIC के शिखर सम्मेलन को रोकने की कोशिश की तो विपक्ष के नेताओं की चीखें निकाल दी जाएंगी। मतलब वही कि रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, सरकार नेस्तनाबूद होने के कगार पर खड़ी है। इसके बाद भी इमरान के समर्थक विरोधियों को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। शायद इसे ही कहते हैं कि चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी। उधर पाकिस्तानी सियासी गलियारों में प्रधानमंत्री की अपनी कुर्सी हाथ में लेकर चारों ओर बेतहाशा दौड़ हांफ रहे इमरान खान ने एक और दांव खेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी सियासी सांसें फुला देने में हिंदुस्तान का हाथ है। हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान में उनके यानी इमरान खान के विरोधियों से हाथ मिला लिया है। इमरान खान के इस बयान से तो यही साबित होता है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मतलब जब प्रधानमंत्री की कुर्सी इमरान के नीचे से खींचने पर उनके अपने ही आमादा हो गए तो उसका ठीकरा भी इमरान खान बेशर्मी के साथ भारत के ही सिर फोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में ही इमरान खान अब अपनों को और विरोधियों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, विशेषकर तब जब से वे रूस की यात्रा से खाली हाथ पाकिस्तान लौटे हैं। रूस से खाली हाथ लौटने पर पाकिस्तानियों ने आड़े हाथ लेते हुए इमरान खान के सामने सवाल दागे कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध के कगार पर खड़े थे उस दौर में इमरान खान को भीख मांगने के लिए रूस जाने की भला क्या जल्दी थी? जब दो देश जंग की तैयारी में जुटे हों तो क्या उनमें से कोई देश पाकिस्तान से किसी देश के चूल्हे जलवाने के लिए कर्ज या और कोई मदद देने की स्थिति में होगा?
आज चारों ओर से बुरी तरह अपनों के द्वारा ही फांसे जा चुके इमरान खान से दूसरा सवाल पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि रूस से कुछ हाथ लगा नहीं और जो अमेरिका कभी कभार दो चार रहम के टुकड़े पाकिस्तान की ओर उछाल भी दे रहा था, रूस की यात्रा के बाद उस अमेरिका से मिलने वाले रोटी के चंद टुकड़ों की उम्मीदें भी इमरान खान ने मिट्टी में मिलवा डाली हैं। मतलब माया मिली नाराम, ऐसी रूसी यात्रा का भला क्या काम। कुल जमा कह सकते हैं कि जब बात कुर्सी पर आई तो इमरान खान का हलक सूखा हुआ है। अपनों के द्वारा ही अपनी सत्ता का सत्यानाश होता देखकर पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान का हताश होना लाजमी है। ऊपर से सुना तो यह भी जा रहा है कि दुर्दिनों में फंसे इमरान खान को अब उनकी अपनी यानी पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी आंख से इशारा कर दिया है कि खैरियत चाहते हो तो कुर्सी से खुद ही उतर जाओ जनाब, वरना विरोधी इमरान के नीचे की कुर्सी खींचकर कभी भी उन्हें सियासत के मैदान में बेगाना बनाकर बेदम कर डालेंगे। मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई देखकर इमरान खान की रूह फना हो रही है, अगर ये कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत, ऐसी किसी और कहानी के साथ लौट कर आने का मेरा कीजिए इंतजार। तब तक TV9 डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात बताना ना भूलें आप।